हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ा रहा था। अलजेब्रा से रिलेटेड 4-5 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, उसमें बहुत सारे टाइप बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो ठीक है, आज हम आगे बनाने जा रहे हैं। आज का वीडियो देखिए कि कैसा है। ठीक है, आप शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद फीडबैक दीजिए, कॉमेंट कीजिए। ठीक है, उसके अनुसार वीडियो बनाते रहूंगा। और जो भी वीडियो मैंने डाला है सब बहुत बेहतर है। शुरू शुरू में आप थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप यदि शुरू से अंत तक देखते हैं तो वीडियो बहुत बेहतर है। तो देखिए, शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालना। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत सारे टाइप लेकर आए हमने बना दिया है, लेकिन आज है शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालना। ठीक है, 3 क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है और भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड। बी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस सी जेड। अगला है सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई हो तो एक्स बटा ए प्लस एक्स प्लस वाई बटा बी प्लस वाई प्लस जेड बटा सी प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहे। तो देखिए, कुछ ना कुछ क्लू रहता है उसको आप पकड़िए। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, यदि यहाँ ए स्क्वायर हो जाए तो इतना मान हम पुट कर सकते हैं ना। तो क्या कीजिए, जब हम यहाँ ऊपर नीचे a से गुना कर दें तो ए स्क्वायर यहाँ एक से हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे b से गुना कर दें तो यहाँ पे y भी हो जाएगा, ऊपर नीचे c से गुना कर दें तो ये सी स्क्वायर और जेड सी हो जाएगा। अब आप देखिए, यदि ए स्क्वायर बिठा देते हैं तो बी वाई सी प्लस जेड और ए एक्स, ठीक है, ये तीनों आएगा। उसी तरह से नीचे में ये तीनों सेम हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जब नीचे का भाग इक्वल हो जाए तो एलसीएम इक्वल है तो ऊपर देखिए एक्स बी वाई सी जेड आ जाएगा, ऊपर एक्स बी वाई प्लस सी जेड आ जाएगा। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ जाएगा, यहाँ से काट के हम एक कर लेंगे। ये तो बेसिक मेथड से सॉल्व हो गया। एक और मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसे यदि हम यहाँ पे मान ले, ठीक है, सॉल्व यहाँ पे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ करते हैं ट्रिक मेथड से। ये तो बेसिक भी उतना ही इजी है, ट्रिक भी उतना ही इजी है। यदि ए बी सी बराबर 2, एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई और जेड बराबर 1, मतलब कि हम ए और बी और सी और जेड का ऐसा वैल्यू लें कि ये सारे इक्वेशन को फुलफिल करें, उस तरह का मान मिल जाए तो ज्यादातर 1, 2, 3, 0 इसी के आसपास रहता है। तो देखिए, ए बी और सी बराबर हमने 2 मान लिया, ठीक है, 2 मान लिया है, तो इसमें हम पुट करके देखते हैं तो क्या होगा। 2 का स्क्वायर बी 2 है इंटू 1, एक्स वाई जेड का वैल्यू तो 1 है, सी भी 2 है और जेड का वैल्यू 1 है। यहाँ से ये 4 इधर 2, 2, 4 फुलफिल किया ना, सबको कर लेगा। तो बस अब इसमें मान पुट कर लेते हैं। तो मान पुट करेंगे तो क्या होगा, ये ए का वैल्यू 2 और नीचे कितना, ठीक है, अच्छा मेन क्वेश्चन तो जो है वो पहले लिखना होगा ना। अब इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन क्या था वहां पे जाते हैं तब बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें सी एड किए थे और इसमें ठीक है बी प्लस वाई था, सी प्लस जेड था, हमको मान इसका निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे x, y और z का वैल्यू 1 है तो ऊपर 1 होगा, नीचे 2 और 1 3, यानी कि 1/3, 1/3 प्लस 1/3 ही आ जाएगा, और यहाँ से 3/3 बराबर कितना 1। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक मेथड से भी हमने बता दिया और ट्रिक मेथड से भी बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। यहाँ भी आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या रखें, बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या रखें, इसको फुलफिल कर दे। तो यदि हम ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू भी 1/3 और सी का वैल्यू भी 1/3 रखते हो तो ये यहाँ पर बिठाने के बाद कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, तीनों को जोड़ने के 3/3 बराबर कितना 1 आ जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जिसका मान हम मान ले और उसको यदि फुलफिल कर लेते हैं तो आगे का इक्वेशन निकाल सकते हैं।
अब इसमें भी ये हो जाएगा, ए इंटू बी है तो कितना होगा 1/9, यहाँ पे बी इंटू सी है तो 1/9, और यहाँ से 1/9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9, काटेंगे तो 1/3, इसको भी फुलफिल कर दे रहा है। तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या है 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3, तरह से सेम है तो हम इसको एक रेशियो एक रेशियो एक रेशियो लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। फिर है अगला, अगला देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर क्वेश्चन सी स्क्वायर माइनस ए बी साइड था, ठीक है ना, नहीं होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, हम a b और c का ऐसा मान ले और इसमें पुट करें तो वो क्या आ जाए जीरो, और छोटा से छोटा मान लीजिए ताकि आप स्क्वायर करके हम उसको इजिली से बना सके इजिली बना सके। तो हम यदि इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू 1 ले लेते हैं, c का वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो 1, 1, 2 और 2 जाकर घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना। अब इसमें हम मान पुट करते हैं, a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर जुड़कर 6 और नीचे ये कितना आएगा 3, और यहाँ से हम ये काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालना हो तो हम मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको फुलफिल करने वाला मान लेंगे और बनाएंगे तो आसानी से बनता है, एग्जाम में जल्दी बनेगा। तो इस पर और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालना हो, इस पर 2 क्वेश्चन और आज देखते हैं। शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालने से बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ उसे और मैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है यदि a/(1 - a) + b/(1 - b) + c/(1 - c) = 1 हो, ये शर्त दिया हुआ है, तो 1/(a)(1 - a) + 1/(a) - b + 1/(a) - c, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए नीचे यहाँ पे सेम है लेकिन ऊपर 1 है, तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि क्या हम करें इस इक्वेशन के साथ कि ऊपर 1 बच जाए, ठीक है, क्या हम करें ऊपर वाले इक्वेशन के साथ कि ऊपर 1 बच जाए। तो ये देख रहे हैं यहाँ से नीचे वाला और ऊपर वाला गौर कीजिए, a है और ये कितना है 1 - a है, यदि ये ऊपर इस तरह से जुड़कर आ जाए तो क्या होगा, a एक कट जाएगा और एक आ जाएगा ना, a प्लस 1/a इस रूप में। तो हमको उस रूप में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यही सब छोटा छोटा क्लू हमको देखना होता है कि कैसे करना है। तो क्या करें, चलिए इस इक्वेशन में हम बना देते हैं ऊपर और इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम छोटा कीजिए, यहाँ +1 ऐड कर लेते हैं और यहाँ भी +1 ऐड कर लेते हैं और यहाँ भी हम +1 ऐड कर लें, ठीक है, तीनों जगह +1 + +1 + +1 ऐड कर लेते हैं। तो हम इसी में सॉल्व करेंगे, तो इधर 3 जगह +1 ऐड किए हैं तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम ना यहाँ भी ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ भी क्योंकि 3 जगह जोड़े हैं तो इधर भी बैलेंस करना होगा, जोड़ देंगे अभी। अब इसका बीन का जोड़ यहाँ से करेंगे इतना दूर का, ठीक है, दिख नहीं रहा, अब दिखेगा भी नहीं, लाइट कट गया, फ्रेंड्स लाइट आ गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो सब में +1 + +1 + +1 कर लिए, तो इधर भी संतुलित करने के लिए 3 जगह 1 जोड़े हैं तो इधर 3 जोड़ दिए। अब क्या होगा, यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहीं पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 1 - a, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस 1 - b, यहाँ पे क्या आएगा c प्लस 1 - c। तो इधर तो 4 हो गया जोड़कर और ये सब कट जाएगा, तो जो क्वेश्चन पहले था हमको निकालना 1/(1 - a) 1/(a) - b) 1/(a) - c, वो अब बच गया कि नहीं, बच गया ना, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स तथा जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक्स स्क्वायर और वाई और जेड का मान ऐसा मानिए कि सारे इक्वेशन को वो फॉलो कर ले। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स वाई जेड एक ही नंबर यहाँ दिखेगा आपको, वह कर रहे हैं ना हमेशा कि 0 1 2 यही सब संख्या पुट होता है और वैल्यू आ जाता है। तो यदि हम सबके बराबर 2 मानते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर इधर से 2 प्लस 2 बराबर क्या होगा, इधर 4 इधर 4, ये सारे के साथ हो जाएगा, सारे के साथ फुलफिल हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आंसर निकल चुका है 1। अब 1 प्लस क्या करेंगे 2, एक्स का वैल्यू 2 माने थे और यहाँ भी 1 प्लस 2 और यहाँ भी 1 प्लस 2, तीन जुट के कितना होगा, 1/3, 1/3 प्लस 1/3 और ये 3/3 हो जाएगा और सॉल्व कर 1 आ जाएगा। एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 0 1 यही सब रहता भी है। तो आप इसके जो बेसिक पॉइंट है वो समझिए कि आखिर करना क्या है, यदि समझ में आएगा तो ये इस टाइप का सारे क्वेश्चन बनेगा। तो शर्त के आधार पर व्यंजक का मान निकालना हो और अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, अब अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना कमेंट देते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।